I am Dr. G. G. C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So today we are discussing the part of the anatomy of the tongue, and we have discussed earlier, and today we will discuss the remaining part. Namaste, hamesha khush raho bitiya. If you have any query or any doubts, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. So we have discussed the muscular part, and today we will discuss about the blood supply of the tongue. So first we will discuss about the arterial supply, and tongue is supplied by the following arteries: branches of lingual artery and the tonsillar branch of facial artery and ascending pharyngeal artery. जो टंग की सप्लाई होती है, जो लिंगुअल आर्टरी की जो ब्रांच है, लिंगुअल आर्टरी जो चीफ आर्टरी होती है टंग की, उसकी जो ब्रांचेस हैं जो सप्लाई करती है टंग को, एंड फेशियल आर्टरी की जो टॉन्सिलर ब्रांच है वो सप्लाई करती है टंग को, एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी को सप्लाई करती है. हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो लिंगुअल आर्टरी है उसकी ब्रांचेस, ये मेन आर्टरी है टंग की, और ये पूरे लेंथ में इसको सप्लाई कर रहा है ब्लड को. इसकी जो डोर्सल लिंगुअल आर्टरी, जो डोर्सल जो सरफेस है उसको सप्लाई कर रहा है, और डीप लिंगुअल आर्टरी की जो जो लास्ट पार्ट है वो इसका एंटीरियर जो पोर्शन है उसको सप्लाई कर रहा है. वहीं पे हम देख रहे हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो इनर जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है उसको सप्लाई कर रहा है. वहीं जो फेशियल आर्टरी है उसकी जो ब्रांच है टॉन्सिल ब्रांच, वो टॉन्सिल वाले एरिया को सप्लाई कर रहा है. अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की. तो फॉलोइंग वेन्स है जो टंग को सप्लाई कर रहे हैं, दे आर डीप लिंगुअल वेन एंड वेनी कमिटेंट्स. तो डीप लिंगुअल वेन ये प्रिंसिपल वेन है टंग की, एंड इट इज विजिबल ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग. जो टंग की इंफीरियर सरफेस है, जो वेंट्रल सरफेस है, जहाँ पे हमें जो वेन दिखाई देती है प्रोमिनेंट, दैट इज द डीप लिंगुअल वेन, और ये टंग की प्रिंसिपल वेन है. अब है वेनी कमिटेंट्स, ये accompanying the lingual artery, and it also accompanying the hypoglossal artery. तो ये जो vena cavitans है, ये जो lingual artery को correspond करती है, उसी के साथ साथ ही lies करती है, और इसी के साथ साथ ही hypoglossal जो नर्व है उसी के साथ भी lies करती है. These veins unite at the posterior border of the hypoglossus to form the lingual vein, which drains into either कॉमन फेशियल वेन और इंटरनल जुगलर वेन. तो ये हाइपोग्लॉसस के पोस्टीरियर बोर्ड पे भी यूनाइट करती है और लिंगुअल वेन बनाती है जो ड्रेन करती है इधर कॉमन फेशियल वेन और द इंटरनल जुगलर वेन. तो ये हमारी डीप लिंगुअल वेन है, जो प्रिंसिपल जो वेन है हमने अभी देखा है, जो इंटरनल जुगलर वेन में जाके ड्रेन करती है, और ये वेंट्रल जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका वेंट्रल सरफेस है टंग का, ये टंग का वेंट्रल सरफेस है, और यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल होता है. वेनी कमिटेंट्स ये जो एक प्लेक्सस के फॉर्मेशन में है, जो हाइपोग्लॉसस मसल्स एंड जो हाई नर्व है इसके दोनों के साथ साथ ही लाइज करती है, और ये लिंगुअल वेन बनाती है बाद में यूनाइट होके, जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है. अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की. लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे दे आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फोर सेट्स: एपिकल वेसल, मार्जिनल वेसल्स एंड सेंट्रल वेसल्स एंड वेसल वेसल्स. तो एपिकल वेसल्स की बात करते हैं, ड्रेन द टिप एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग इनटू द सबमेंटल लिम्फ नोड. यहाँ पे ये जो पार्ट है एपिकल वेसल एंड जो इंफीरियर सरफेस है, जो नीचे का पोर्शन है एपिकल एंड इंफीरियर सरफेस, ये जो ड्रेन करती है सबमेंटल लिम्फ नोड्स में. अब हम बात करते हैं मार्जिनल वेसल, दे ड्रेन द मार्जिनल पोर्शन ऑफ द एंटीरियर टोटल ऑफ द टंग यूनिलैटरली इनटू द सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स एंड देन टू द डीप सर्विकल लिम्फ नोड. तो मार्जिनल पोर्शन है जो हमारे एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, उसका जो मार्जिन है उस पोर्शन का जो लिम्फ ड्रेन होता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में, और वहां से ये ड्रेन होती है डीप सर्विकल लिम्फ नोड में. यूनिलैटरली मतलब एक साथ ही ये ड्रेन होती है. सेंट्रल वेसल की बात करें, जो सेंट्रल पोर्शन है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, दे पास वर्टिकली डाउनवर्ड इन द मिड लाइन ऑफ द टंग
between the genioglossus muscles and drain bilaterally into the deep cervical lymph node. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो anterior to third जो portion है टंग का उसका वहां से ये जो drain करती है deep cervical lymph nodes में. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे bilaterally ये दोनों यहाँ से जो central portion है anterior to third of the tongue का ये drain करती है deep cervical lymph node में. अब हम बात करते हैं basal vessel की. They drain the root of the tongue and the posterior one third of the tongue bilaterally into upper deep cervical lymph nodes including jugulodigastric. तो जो सबसे पीछे का पार्ट होता है जिसको हम रूट बोलते हैं एंड द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग जो पीछे का सबसे जो पोर्शन है उसको बाइलेटरली ये जो डीप सर्विकल लिम्फ नोड है उसमें ये ड्रेन करता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पीछे का पोर्शन जो बेसल वेसल है यहाँ पे ये डीप सर्विकल लिम्फ नोड में ये ड्रेन करता है और कुछ जो पोर्शन का है ये जो डाइजेस्टिव नोड है उसमें ये ड्रेन करता है. तो हमने देखा कि हमारे जो टंग के पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स से जो लिम्फ ड्रेन करता है अलग अलग लिम्फ नोड्स में और जो लास्ट में जाके लिम्फ डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स या जुगलो होमोहाइड नोड्स या जुगलो डायगेस्टिक नोड में जो लास्ट फाइनली ये ड्रेन करते हैं. नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो मोटर सप्लाई सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं. तो जो भी टंग की मसल्स होती है चाहे वो इंट्रिंसिक मसल्स हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक मसल्स हो ये सप्लाइड होती है हाइपोग्लोसल नर्व से. लेकिन जो पैलेटोग्लोसस जो मसल्स हैं वो सप्लाइड होती है क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व और फेरेंजियल प्लेक्सस. फेरेंजियल प्लेक्सस एक्सेसरी नर्व है उनसे ये सप्लाई होती है पैलेटोग्लोसस और बाकी जो मसल्स है वो सप्लाई होती है हाइपोग्लोसल नर्व से. सेंसरी सप्लाई है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व एंड कोडा टिम्पेनी नर्व. जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है पोर्शन है टंग का एंटीरियर टू थर्ड वो लिंगुअल नर्व एंड कोडा टिम्पेनी नर्व से होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगर ये सेंसरी नर्व पोर्शन बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन है लिंगुअल नर्व एंड कोडा टिम्पेनी से सप्लाई होती है और वहीं पे जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है टंग का हम वो सप्लाई होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व. तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई होती है जो सबसे जो पीछे का पार्ट है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट वो इंटरनल लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होता है. अब हम नर्व कैरिंग टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द टंग हम देख पा रहे हैं कि जो सेंसेशन ऑफ जो टेस्ट का कौन कौन से नर्व लेके जा रही है कैरी कर रही है तो कोडा टिम्पेनी नर्व है और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है. तो उनकी कुछ ब्रांचेस जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में जो भी पेपिलन्स प्रेजेंट है और वहाँ की टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है वहीं पर ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो करती है पोस्टीरियर पार्ट का और जब से पोस्टीरियर मोस्ट जो पार्ट है वहां से टेस्ट कैरी करती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व. डेवलपमेंट ऑफ टंग की बात करते हैं तो टंग डेवलप्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव लैरिंग्स इन द रिलेशन टू द फेरेंजियल आर्चेस. जो प्रिमिटिव फेरिंग्स में जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो प्रिमिटिव फेरिंग्स है उसमें जो फेरेंजियल आर्चेस होते हैं तो हर फेरेंजियल आर्चेस अलग अलग पोर्शन फॉर्मेशन करता है टंग का और जो टंग का फॉर्मेशन होता है प्रिमिटिव फेरिंग्स के फ्लोर से ये डेवलप होती है. तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग की इसका डेवलपमेंट कैसे होता है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग डेवलप फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ लिंगुअल स्वेलिंग विद द ट्यूबरकुलम इम्पा. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे लिंगुअल स्वेलिंग है ये हमारा जो फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स है यहाँ पे लिंगुअल स्वेलिंग हमें दिखाई दे रहे हैं. ये ट्यूबरकुलर इम्पायर है जब ये आपस में फ्यूज करती है ये दोनों इसके साथ तो इसका फॉर्मेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का और म्यूकस कौन से मेम्ब्रेन का जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है टंग का और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. जब लिंगुअल स्वेलिंग आपस में फ्यूज होती है तो मिडलाइन फॉर्मेशन करता है दैट इज द मीडियन सल्कस. जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है एक दूसरे से फ्यूज होती है तो मीडियन सल्कस का फॉर्मेशन करती है जो कि टंग को आगे जाके टू हॉल्स में डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट. अब बात करते हैं हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस.
appears as a median swelling, and that divides into two parts, cranial part and that relate to second and third arches, and caudal part that relate to fourth arch. जो एक स्वेलिंग मीडियम स्वेलिंग अपीयर होती है जो हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस बोलते हैं, इसके टू पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट जो आगे का फ्रंट मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रैनियल पार्ट बोलते हैं, जो पीछे का है हम इसे कोडल पार्ट बोलते हैं। जैसे ये जो है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है जिसको कोपुला ऑफ हिस भी बोलते हैं, इसके टू पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रैनियल पार्ट ये कोडल पार्ट। जो इसमें आर्चेस होते हैं इसमें थर्ड आर्च एंडोडर्म ग्रोज फॉरवर्ड्स ओवर द सेकंड आर्च टू फ्यूज विद लिंगुअल स्वेलिंग एंड ट्यूबरकुलर इंफार्म एंड गिव्स राइज टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। तो जो क्रेनियल पार्ट हमने देखा था उसके जो थर्ड आर्च है वो आगे ग्रो करती है सेकेंड आर्च को ओवर करते हुए और फ्यूज होती है लिंगुअल स्वेलिंग ट्यूबरकुलर इंफार्म और वहां से ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट होता है टंग का उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। वही जो थर्ड आर्च है ग्रो फॉरवर्ड इन ए वी शेप मैनर एंड फ्यूज द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग एंड दिस लाइन इज इंडिकेटेड बाय सल्कस टर्मिनल्स। जो थर्ड आर्च है वी शेप मैनर में फॉरवर्ड ग्रो करती है और जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन होता है टंग का उसे फ्यूज करके बनाती है सल्कस टर्मिनल्स। वही जो पोर्शन होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन फोर फेरेंजियल आर्च से फॉर्मेशन होता है। तो फोरामेन सीकम हमने पढ़ा था, हमें इसका सल्कस टर्मिनलिस वहां पे फोरामेन सीकम होता है इसके अपेक्स पे जो कि साइट होता है डेवलपमेंट का थायरोग्लोसल डक्ट। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूज होके ये बनाती है, ये लिंगुअल स्वेलिंग है यहाँ पे। ये जब ये दोनों आपस में फ्यूज होती है तो टंग का एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग बनाती है। वही ये पार्ट होता है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस इसका हमें क्रेनियल और कोडल पार्ट होता है। जब ये क्रेनियल पार्ट आपस में बनाती है मिलके पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग और यही जो कोडल पार्ट है वो बनाती है पोस्टीरियर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्लिनिकल टंग टाई सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टंग टाई। फ्रेनुलम एक्सटेंड टू फॉर टुवर्ड्स द टिप ऑफ द टंग इट इज कॉल्ड टंग टाई। अगर जो फ्रेनुलम है जो हमारे टंग के वेंट्रल सरफेस को जोड़ती है फ्लोर ऑफ द माउथ और अगर ये फॉरवर्ड एक्सटेंड करती है तो इसको बोलते हैं टंग टाई। ये जो नॉर्मल मूवमेंट है टंग को ये इसको प्रोहिबिटेड करती है, मतलब जो नॉर्मल मूवमेंट है टंग का उसका हो नहीं पाता। तो नॉर्मल स्पीच के लिए जो टंग का मूवमेंट होता है वो हो नहीं पाता मूवमेंट और इसलिए स्पीच में बड़ी दिक्कत आती है और इसको करेक्शन क्या किया जाता है फ्रेनुलम को सर्जिकली कटिंग करके। कुछ ड्रग्स है विच आर लिपिड सोल्यूबल कैन डिफ्यूज थ्रू द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंग द सबलिंगुअल रीजन ऑफ द ओरल कैविटी एंड कैन बी क्विकली अब्सॉर्ब्ड इनटू सर्कुलेशन। तो कुछ जो ड्रग्स हैं उसको जो सब लिंगुअल रीजन में जो हमारे ओरल कैविटी है उसके सब लिंगुअल रीजन में जहाँ पे थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे इसीलिए डिसोल्व हो जाती है और वहाँ से क्विकली एब्सॉर्ब हो जाता है सर्कुलेशन में। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस के टाइम जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो सोर्बिट्रेट हार्ट पेशेंट जब भी उन्हें एंजाइना होता है तब अपनी उनके पास जो मेडिसिन होती है वो अपनी टंग के नीचे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फास्ट डिसोल्व हो जाते हैं और ये जो सर्कुलेशन में तुरंत पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरीके से वहां से पास होके थिन ओरल म्यूकस से ये लिंगुअल वेन्स पे आके चली जाती है। तो इस तरीके से वो सर्कुलेशन में आ जाती है और जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो बहुत फास्ट हो जाता है और उस इफेक्ट को हम देख सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द टंग एंड वी हैव कंप्लीटेड द एनाटॉमी ऑफ टंग हियर। And if you have any query, please write down in the comment box and it will be resolved very soon. Thank you so much.